नमस्कार, देवप्रयागम आईएएस के ऑनलाइन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर शिवशंकर चौधरी। आज से हम लोग जो सामान्य हिंदी की कक्षाएं अभी तक पूरी हो चुकी हैं, उसके अगले क्रम में निबंध को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि निबंध क्या है और उसको कैसे हम लोगों को करना है जिससे अधिक अंक जो है उसमें अर्जित किया जा सके। चूँकि ये एक ऐसा प्रश्न पत्र है जो आपको लगभग सभी मुख्य परीक्षाओं में जो है इसको लिखना होता है, और जब तक आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, इसके मूल विषय को नहीं समझेंगे, किस प्रकार के भाव और विचार इसमें आने चाहिए, तब तक आप निबंध में अच्छा अंक नहीं अर्जित कर सकते हैं। लोग निबंध पे काम कम करते हैं, तो उन्हीं कमियों को हमको दूर करते हुए एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो मेनली ये होगा कि निबंध मेनली है क्या। ठीक है, और निबंध में जैसे लोग कहते हैं कि निबंध लिख, बहुत से लोग के मुँह से सुने होंगे निबंध लिखने में क्या है, निबंध तो आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत से लोग लगभग कहते हैं, लेकिन जब आपकी मार्कशीट आती है तो उसमें जब नंबर आप देखते हैं तो कहते हैं कि कहाँ, मतलब हमने सब लिखा था, अच्छे तरीके से लिखा, लेकिन नंबर क्या है हमको नहीं मिला। तो आखिर क्या रीज़न है कि उसके पीछे का कि आपको नंबर नहीं मिल रहा है। ठीक, पहली चीज़ तो दिमाग से ये निकाल देना है कि निबंध में आपको इन चीज़ों की भरमार करनी है। तथ्य की भरमार निबंध में नहीं करनी है। तथ्य की भरमार करने के लिए वो आपसे जीएस के 4 पेपर लिखा रहा है, अब 2 पेपर और भी जोड़ दिया है। आप जितना तथ्य आपको लिखना है आप लिखिए 6 पेपर में, लेकिन कम से कम 150 नंबर का पीसीएस में और 120 नंबर का आरओ का जो पेपर है उसमें आपसे तथ्य नहीं वो पूछ रहा है। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा सा हम देखेंगे, क्या सावधानियां हमको बरतनी है और निबंध कैसे लिखा जाए कि उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो हमको। तो जैसे जो ये शब्द है निबंध, ठीक, अब इस शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो कह रहा निबंध, मतलब कि अच्छी तरह से बंधा हुआ। ठीक, पहला जो अर्थ इसका निकल के क्या आ रहा है कि अच्छी तरह से क्या है, बंधा हुआ। अब अच्छी तरह से बंधा का मतलब क्या है, अब यहाँ बंधा हुआ क्या बंधा हुआ, तो इसके जो भाव और विचार होते हैं, ठीक है, भाव और विचार वो क्या हो, आपस में बंधे हुए हों। ठीक है ना, चीज़ों में प्रवाह हो, जब भाव विचार आपस में बंधे होंगे तभी उसमें क्या होगा, प्रवाह होगा। अगर भाव विचार टूटेंगे, भाव विचारों की जो है साम्यता नहीं रहेगी, तो आपका प्रवाह क्या होगा, वो टूटेगा। आप पता लगे पहली लाइन में कुछ बात कर रहे हैं, दूसरी लाइन में कुछ बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो पहला अर्थ निकल के आता है अच्छी तरीके से बंधा हुआ, तो उसका अर्थ ये है कि जो भाव और विचार आपके आएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो जो भाव और विचार आपके हैं वो जैसे एक माला होती है, माला क्या है, मोतियों से बनी होती है। ठीक, तो वो जो मोतियाँ हैं वो क्या है, वो एक तरह से समझिए कि आपके भाव और विचार हैं, उनको पिरो कर ही क्या बन रही है, एक माला बन रही है। अगर वो मोतियाँ बेतरतीब रूप से बिखरी हों तो क्या माला बन पाएगा, माला नहीं बनेगा।
तो उस माला को बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है कि एक जो भाव और विचार के रूप में जो मोती है, जो मोती का एक मनका या दाना है, उसको क्या किया जा रहा है, प्रवाह के माध्यम से बांधा जा रहा है, वो को एक माला बनाई जा रही है, तब जाके क्या है वो आपके भाव विचार गुथेंगे, ठीक है, तब वो भाव विचार आपके प्रकट होंगे। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है, निबंध के विषय में वो कहते हैं कि अब जैसे हम लोग को क्या है कि एक शब्द सीमा दे दी गई, एक विषय दे दिया गया, उसके तहत आपको क्या करना है, लिखना है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि विषय तो मात्र बहाना है, ठीक, जो विषय दिया जाता है उसको कहते हैं कि विषय तो मात्र बहाना है, निबंध आत्मा व्यक्ति का प्रकटन है। मतलब जो आपकी अभिव्यक्ति क्षमता है, जो आपके अंदर भाव और विचार हैं, उसका प्रकटन ही क्या है, वो निबंध कहलाता है, ठीक है। तो जो दूसरा इसका अर्थ निकल के आता है, जब इसका विच्छेद करेंगे, निबंध, ठीक, नी यहाँ पर उपसर्ग का काम करेगा, उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है क्या, नकार की भावना, जहाँ पर नकार की भावना आएगी, ठीक है, वहाँ पर नी उपसर्ग लगता है, और बंध मतलब बंधा हुआ, मतलब अब यहाँ पर एक दूसरा हो जाता है कि जो बंधा हुआ ना हो, दूसरा अर्थ जो निकल के आएगा कि जो बंधा हुआ ना हो। अब बंधा हुआ किस रूप में ना हो, कि पहला बंधन क्या है, शब्द सीमा का ना हो, क्योंकि भाव और विचार शब्द सीमा को ध्यान में रख के नहीं आते हैं क्या, हाँ, तो ये आयोग का काम है ना, लेकिन जो निबंध का मूल थीम है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर आयोग पे हम लोग आएंगे, ठीक। तो इसमें क्या है कि शब्द सीमा का बंधन नहीं होता है, जो निबंध का जब अर्थ दूसरा हम देखेंगे तो उसमें शब्द सीमा का क्या होगा, वो बंधन नहीं होगा। दूसरा जो अर्थ निकल के इसका आता है कि भाव विचार जो आपके आएंगे, ठीक है, इसमें भी किसी प्रकार का क्या है, ये बंधन नहीं होगा कि हाँ भाव विचार कहाँ से आए, कितने आए, किस प्रकार से आए, ठीक है, भाव विचारों का भी बंधन इसमें नहीं होगा कि एक भाव आपका आ गया तो दूसरा भाव नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाव विचार का भी इसमें क्या होगा, बंधन नहीं होगा। तब जब दोनों अर्थों को हम एक दूसरे से समवेत रूप में देखते हैं, तब एक चीज़ ये समझ में आता है, चूँकि अब हमको परीक्षा किसकी देनी है, लोक सेवा आयोग की, अगर साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते तो वहाँ पर शब्द सीमा का बंधन नहीं होता है। जब साहित्य के निबंध आपके उठा के पढ़ेंगे तो देखेंगे कोई कोई एक ही राइटर का कोई कोई निबंध 4 पेज का है, कोई कोई 25 पेज का है, क्यों, क्योंकि उसमें भाव और विचार जैसे जैसे आते गए वो वैसे वैसे उसको लिखते गए, तो उसमें वो क्या किए कि शब्द सीमा को उन्होंने आधार नहीं बनाया कि हमको इतने शब्दों में लिखना है। अब चूँकि हमको क्या करना है, एग्ज़ाम देना है, परीक्षा देनी है, तो परीक्षा में हमको एक बंधन हमारे ऊपर आरोपित कर दिया जाता है, ठीक, क्योंकि समय सीमा अगर बांध दी गई है कि 3 घंटे में आपको लिखना है, तो जब बंधन बांधा, बंधन आरोपित किया जा रहा है आपके सामने, तो आयोग के समक्ष ये बात आ जाती है कि जब तक अगर शब्द सीमा ना दें, ठीक, तो आप चूँकि 3 घंटे, ये तो है नहीं कि आप जाइए 2-3 दिन में लिख के जमा करिए अच्छे से, ये तो है नहीं, अब 3 घंटा का समय अगर शब्द सीमा नहीं देंगे तो कोई हो सकता है 1 पन्ना लिखे और कोई हो सकता है 25 पन्ना लिखे, तो इसीलिए क्या किया गया है, लिमिट बांध दी गई है कि कम से कम आपको 700 शब्दों तक आपको लिखना है, आरओ में 600 शब्दों तक लिखना है, ठीक। तो ये जो 700 शब्दों की लिमिट बांधी गई है, ये इसीलिए बांधी गई है कि आपको 3 घंटे के अंदर 3 निबंध लिखने हैं, ठीक है, तो सात्विक 2100 शब्द लगभग आपको 2100-2200 शब्द आपको 3 घंटे में लिखना है। तो 2100-2200 शब्द को तो बहुत ज़्यादा कोई शब्द नहीं है कि आप 2100-2200 शब्द 3 घंटे में ना लिख पाए, क्योंकि आप पीजी का एग्ज़ाम जब देते हैं, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा ही आपको लिखना रहता है, जीएस के भी पेपरों में इससे ज़्यादा आपको लिखना है, यहाँ पर कम लिखना है। तो यहाँ पर आपको सोचने के लिए, समझने के लिए, अपना टॉपिक चूज करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है, ये नहीं कि आप बस जीएस की तरह देखे और धड़ाधड़ लिखना शुरू किए। यहाँ पर 9 टॉपिक दिए रहेंगे आपके, 9 टॉपिक में से आपको जो लगे कि हाँ इस पे हमारे पास मटेरियल है उसको हम लिखते हैं, ठीक है ना। इसको लेखकों की कसौटी भी कहा जाता है, जो निबंध लेखन है, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अगर गद्य जो है लेखकों की कसौटी है,
गद्य जो है लेखक की कसौटी है, तो निबंध जो है, अगर जो निबंध नहीं लिख पा रहा है तो लेखक नहीं है। अगर गद्य आप लिख रहे हैं और उसमें भी आप निबंध नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लेखक नहीं कहे जा सकते। आप नाटक, कहानी, उपन्यास कुछ भी लिखते रहिए तो उससे उससे नहीं मतलब है। तो अब एक समस्या हमारे सामने ये आती है कि आयोग हमसे लिखवा रहा है निबंध, तो ऐसी क्या उसके समक्ष ये चीज़ें हैं कि हमसे निबंध लिखवा रहा, क्या ज़रूरत है हमसे निबंध लिखवाने की? ठीक, जीएस का प्रश्न पत्र वो करवा रहा, हमारे ज्ञान को वो देख रहा है, तो निबंध हमसे क्यों लिखवा रहा है? तो दो तीन चीज़ें हैं जिसको आपको समझना ज़रूरी है कि किसी टॉपिक के संबंध में आपकी अवबोध क्षमता किस प्रकार की है, कि उस टॉपिक को कितना अच्छे तरीके से, कितनी अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है ना, उस टॉपिक के संबंध में आपकी तर्क क्षमता कितनी है, उस टॉपिक के संबंध में आपकी विश्लेषण क्षमता कितनी है। जब तक किसी टॉपिक को आप तार्किक रूप से नहीं समझेंगे, उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक क्या है, आपकी मानसिक योग्यता जो है, आपकी मानसिक योग्यता का पता नहीं चल पाएगा कि आप किसी ऐसे टॉपिक पे बात कर पा रहे हैं कि नहीं, जो आप उस पर पूरी तरीके से आपके पास मैटर होने के बावजूद भी आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। ठीक, जीएस का प्रश्न क्या है, आप रट के जा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि निबंध जो आप पढ़ के जाएँ वही आ जाए हूबहू, हो सकता है कुछ उसमें शब्द कम ज़्यादा हो जाए। ठीक, तो ज़रूरी है कि आपकी मानसिक योग्यता उस स्तर की है कि आप उस टॉपिक का विश्लेषण करते हुए तार्किक ढंग से जो है उसको समझ पा रहे हैं। जब तक आप टॉपिक को समझेंगे नहीं तब तक निबंध आप लिखेंगे नहीं। अब समस्या क्या आती है लोगों में, समस्या के रूप में जब हम देखते हैं तो पहली समस्या ये आती है कि सर लिखना कहाँ से शुरू करें। जो पहली समस्या आती है कि सर मैटर तो बहुत है, पता तो बहुत है किसी मुद्दे के बारे में, लेकिन लिखना हम कहाँ से शुरू करें ये नहीं समझ में आता है। समझ में आया, तो ये जो कमी है वो कहाँ से दूर होगी, निरंतर अभ्यास से। जब किसी टॉपिक को आप लिखना शुरू करेंगे तो हो सकता है खुद से ही लिख के एक बार देखिए कि जब एक टॉपिक को लिखेंगे आप, उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि इसमें और चीज़ें, ये चीज़ें होती तो ये और बेहतर रहता। ठीक है ना, जब आप किसी टॉपिक को एक पैराग्राफ लिखते होंगे या अभी तक नहीं लिख रहे हैं तो लिख के देखिए, जब लिख के आप खुद पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा कि ये चीज़ें मैंने अनावश्यक रूप से डाल दी हैं और ये चीज़ें मेरी क्या हैं, छूट गई हैं जिसको डालना ज़रूरी था। तो ये जब तक अभ्यास आप नहीं करेंगे तब तक चीज़ें शुरू नहीं हो पाएंगी। अगर शुरू हो गई हैं, कभी कभी होता है कि आप लिखना शुरू कर दिए हैं और बीच में ही क्या होता है, रुक जाता है, दो पैराग्राफ चार पैराग्राफ लिखे उसके बाद दिमाग नहीं काम करता है कि अब कैसे शुरू करें। ठीक है ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है निबंध लिखने के लिए कि आपको फ्रेमिंग सीखनी पड़ेगी। किसी निबंध की जब तक आप फ्रेमिंग नहीं सीखेंगे कि निबंध को कैसे तोड़ा जाए, अब ये आपकी हेल्प कैसे करेगा, 700 शब्दों या 600 शब्दों का जो निबंध आपको पीसीएस या आरओ में लिखना है। ठीक, अब कोई टॉपिक दे दिया गया आपको, कोई टॉपिक दे दिया गया, अब आपसे कहा जा रहा है कि इस पे 700 शब्दों में निबंध लिखिए। अब अगर इस टॉपिक को आप 700 शब्दों में सोचेंगे तो हो सकता है दिमाग भटकने लगे क्या लिखें क्या ना लिखें, लेकिन जब इस टॉपिक को आप फ्रेमिंग के माध्यम से लगभग 10 भागों में बांट लेंगे हम, ठीक, कि एक फ्रेमिंग करके अच्छे से एक सिक्वेंस में, क्योंकि निबंध में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्रवाह, तारतम्यता जो होती है, सिक्वेंसिंग जो होती है वो ना टूटने पाए। अगर वो टूट गया तो निबंध का जो आपके भाव और विचार हैं वो टूटने लगेंगे, तो भाव विचार आपके क्या हों वो टूटने ना पाए। तो फ्रेमिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है
निबंध के लिए। या आप जब तक फ्रेमिंग करना नहीं सीखेंगे तब तक आप निबंध, हम 10 नहीं 100 निबंध आपको लिखा दें, आप निबंध लिखना नहीं सीख पाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है? निबंध की फ्रेमिंग करने आना। आपके पास एक घंटे का समय रहेगा, प्रत्येक निबंध लिखने के लिए कितना रहेगा? एक घंटा रहेगा, मतलब 60 मिनट आपके पास रहेगा, ठीक, जिसमें आपको कितना लिखना है, 700 या 600 शब्द। अब 700 शब्द राजनीतिक, ये खंड काम में आपके रहेंगे, ठीक। अब इसमें से क्या करना रहेगा, आपको केवल एक निबंध करना है, तीनों टॉपिक से एक एक निबंध आएगा, तो आपको करना कितना है, केवल एक निबंध करना है, ठीक। इसके बाद आपका रहेगा खंड खा, जिसमें एक टॉपिक आपका रहेगा विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, ठीक। दूसरा रहेगा कृषि, उद्योग एवं व्यापार। तीसरा रहेगा आपका आर्थिक क्षेत्र। अब इनमें से क्या करना रहेगा, इनमें से भी आपको एक टॉपिक करना है। इसके बाद आपका रहेगा खंड गा, जिनमें आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आपदा एवं आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय योजनाएं, ठीक। इनमें से आपको क्या करना है, इनमें से भी आपको एक टॉपिक ही करना है। तो टॉपिक हमारे क्या हैं, टॉपिक हमारे पहले से डिसाइड है, उनमें ये नहीं है कि हाँ ये टॉपिक आपको नहीं करना है या कंपलसरी कर दिया है कि आप किसी भी तरीके से जो है उससे बाहर ना निकल पाएँ। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है कि तीनों टॉपिक में से क्या करना है, एक टॉपिक करना है। तो 9 टॉपिक जो हमारे टोटल है, इसमें से हम 3 टॉपिक, हर खंड से एक एक टॉपिक पहले से ही पूरी तरीके से ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आप ये 3 टॉपिक उठा रहे हैं, इसमें से 2 पे तैयारी करिए, 1 को छोड़ दीजिए, तीनों तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, 2 तैयार अच्छे से कर लेंगे तो हमको निबंध 1 मिल जाएगा आराम से। इसमें भी 2 अच्छे से तैयार करेंगे, 1 छोड़ देंगे। अगर इकोनॉमी नहीं समझ में आ रही है, इकोनॉमी लग रहा है कि आंकड़ा हमको ज़्यादा याद करना पड़ेगा, आंकड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा हमको, तो इकोनॉमी वाला क्षेत्र छोड़ दीजिए आप, एग्रीकल्चर देख लीजिए, विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी देख लीजिए, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए, 1-2 छोड़ना है, जिसको छोड़ना है वो छोड़ के 2 इसमें कर लीजिए। तो 9 में से 6 को हमको क्या करना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है कि जिससे हमारा कोई भी निबंध आए तो हमारा छूटने ना पाए, समझ रहे ना। और निबंध कभी भी जो है आप घबरा के या परेशान होकर लिखेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। पहले से प्रैक्टिस तो करनी है, देखो बिना अभ्यास के आप कुछ नहीं कर। आप जीएस के लिए कितनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, जीएस के लिए कितनी क्लासेस करते हो, निबंध के लिए आप कुछ नहीं करते हो, सामान्य हिंदी के लिए आप कुछ नहीं करते हो, सोचते हो जाके सीधे एग्जाम में लिखेंगे। तो बिना अभ्यास के आप अभी तक कुछ करना सीखे ही नहीं हो, बचपन से लेके आज तक हर चीज़ के लिए आपने क्या की है, प्रैक्टिस की है, हर चीज़ का आपने अभ्यास किया है। अब सोच रहे हो कि इसका अभ्यास करें ही ना, हम सीधे जाके वहीं लिखें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि जो लगातार 10 साल 15 साल से क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, वो भी मैच शुरू होने के पहले 4 दिन प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, चाहे दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी ही क्यों ना हो, बिना अभ्यास के ग्राउंड पे नहीं जाता है, बिना पसीना बहाए नहीं जाता है। तो आप बिना कलम चलाए ये कैसे सोच रहे हैं कि हम जाएंगे सीधे वहाँ लिख के चले आएंगे, तो ये संभव ही नहीं है कि आप सीधे वहीं जाके काम करिए निबंध पे, ठीक। ये तभी संभव है जब निरंतर आप उस पर काम करते रहिए, निरंतर आप उसके संबंध में कुछ ना लिखिए, एक ही पैराग्राफ लिखिए लेकिन लिखिए, कलम चलाइए उसके संबंध में। ज़्यादा नहीं लिखना है तो उसका प्रस्तावना लिख लीजिए, फ्रेमिंग कर लीजिए, निष्कर्ष लिख लीजिए, क्योंकि यही दो मेन है। प्रस्तावना और निष्कर्ष अगर आपका अच्छा नहीं लिखा गया है,
तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा नहीं पढ़ा जाएगा आपका। आप एग्जामिनर 700 शब्द बैठ के नहीं रीड करेगा, प्रस्तावना पढ़ेगा, आपकी औकात जान जाएगा वो कि आप किस कितने पानी में हैं, ठीक है ना। उसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पहला पैराग्राफ में वो बात नहीं आ रही है जहाँ से आपने शुरुआत किया, क्योंकि शुरुआत ही सबकी अच्छी होती है, जब आपकी शुरुआत ही उस स्तर की रहेगी तो वो अंदाज़ा लगा लेगा कि अंदर कितना बढ़िया स्तर होगा। तो प्रस्तावना जो निबंधों की होगी, किसी भी निबंध की प्रस्तावना के संबंध में जो आपको काम करना है वही मेनली काम करना है। आपको निष्कर्ष पे अच्छे से काम करना है। आप पिक्चर देखने जाते हैं उसके पहले क्या देखते हैं? ट्रेलर देखते हैं। तो ट्रेलर क्या है? निबंध की प्रस्तावना है। जब ट्रेलर अच्छा रहता है तब हम जाते हैं देखने, नहीं ट्रेलर अच्छा रहेगा तो वहीं पे उसकी ट्रोलिंग करना शुरू कर देंगे, उसकी खिंचाई करना शुरू कर देंगे, उसकी आलोचना करना शुरू कर देंगे, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन जब ट्रेलर बहुत बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है, तो दूसरे से भी कहते हैं, शेयर कर देंगे, यार इसका ट्रेलर देखो बहुत बढ़िया है, कहते हैं ना। उसके बाद कहेंगे आप मूवी आएगी, चला जाएगा देखने, बहुत बढ़िया पिक्चर आ रही है। तो ट्रेलर से ही हम अंदाज़ा, पिक्चर तो हमने देखी नहीं लेकिन ट्रेलर से ही हम अंदाज़ा लगा रहे हैं ना कि पिक्चर बहुत बढ़िया होगी। लेकिन ट्रेलर ही ख़राब निकल जाए, उसमें ही असंगति आ जाए, विसंगति आ जाए, तमाम तरीके की दिक्कतें आ जाएँ, तो कहेंगे यार फालतू ट्रेलर आया है, पिक्चर वैसे होगी। तो आपका जो पहला पैराग्राफ होगा, जिस जो एग्जामिनर पढ़ेगा, वही आपका निर्धारक है आपके अंक प्राप्त करने का। तो आपको पूरे निबंध पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है कि आप हर पॉइंट पे अच्छे से पकड़ बनाइए, क्योंकि आप जीएस पढ़ रहे हो। एकाध दो टॉपिक जैसे लिटरेचर वाला अगर छोड़ दिया जाए, ठीक, लिटरेचर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने टॉपिक हैं आप लगभग लगभग सब जीएस में आप पढ़ रहे हो। सोशल इशूज़ जितने हैं, ठीक, आप लगभग लगभग जीएस में पढ़ोगे। पॉलिटिकल इशू जितने हैं वो भी लगभग लगभग आप पढ़ोगे। थोड़ा बहुत आपको, अब दिक्कत ये रहती है थोड़ा सा उसमें भाव विचार आपको डालने पड़ते हैं, सीधे केवल तथ्य नहीं हम डाल। जीएस में क्या करते हैं, हम फैक्ट पे बात करते चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमको फैक्ट पे बात नहीं करना, हमके भाव विचारों के अनुसार तथ्य डालना है। अगर महिला सशक्तिकरण के संबंध में हम कोई बात कर रहे हैं तो उसके संबंध में फिर हमको एकाध तथ्य देना पड़ेगा कि सरकार ये योजनाएँ लेके आई है, सरकार इन चीज़ों के माध्यम से ये काम कर रही है, बजट में ये प्रावधान किया गया, थोड़ा बहुत डालेंगे। लेकिन जब हम जीएस का प्रश्न लिखते हैं तो वहाँ पर हमारा भाव विचार नहीं प्रधान होगा, वहाँ पर प्रधान क्या होगा, हमारे तथ्यात्मक लेखन प्रधान होगा। तो यहाँ पर आपको मेनली ध्यान रखना है भाव और विचारों पर। तो जो हमारी प्रस्तावना, अब जैसे कोई भी निबंध हमको 10 भाग में अगर बांटना है तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला पैराग्राफ हमारा क्या रहेगा, पहला पैराग्राफ हमारा प्रस्तावना लिखाएगा, ठीक। अब प्रस्तावना हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारा मूल टॉपिक है, मूल विषय है, उसकी एक छोटी सी झलक, हल्की सी झलक हमको उसमें दिख जाए कि आप बात किस पे करने जा रहे हैं, आप कौन सी पिक्चर दिखाने जा रहे हैं। ट्रेलर में सारी कहानी नहीं बता दी जाती है, ठीक है ना, एक मोटा मोटा एक खाका आपके सामने केवल एक विजुलाइजेशन प्रेजेंट कर दिया जाता है कि उसमें क्या बात करने जा रहे हैं। तो प्रस्तावना जो हमारी होगी उसमें क्या होगा, मूल की झलक होगी, ठीक। अब मूल की झलक के लिए आपको दो तीन चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि प्रस्तावना लिखते समय आप क्या करेंगे कि जैसे कहते हैं सर प्रस्तावना लिखना कैसे है या क्या लिखें उसमें कि इफ़ेक्टिव हो, तो दो तीन तरीके आप अपनाइए। पहली तो है कि काव्य पंक्तियों के माध्यम से आप कोई टॉपिक शुरू करना है तो उसको क्या करेंगे, उससे रिलेटेड अगर हमारे पास क्या है, कुछ काव्य पंक्तियां हैं तो वहां से हम शुरू करेंगे। जैसे अगर पूछ लेता है आपका निबंध, इस समय काफी चर्चित भी है, ठीक, और हो सकता है आ भी जाए, जल संकट से संबंधित निबंध हो सकता है इस बार आए, हाँ, जल संकट से जोड़ के, एग्जैक्ट टॉपिक यही नहीं रहेगा लेकिन जो भी रहेगा जल संरक्षण, ठीक है, या जल संकट से संबंधित, मतलब जल को संरक्षित करने से संबंधित वो निबंध आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्वलंत मुद्दा है और तमाम जगह जो है जल की, इस तरह की जो भूमिगत जल है उसका स्तर भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, पेयजल की समस्याएँ विकट रूप ले रही हैं धीरे धीरे,
बहुत से शहर ऐसे हैं जो जीरो आवर की कंडीशन में जा रहे हैं, ठीक है। केप टाउन भारत में भी तमाम, दक्षिण में जाइए तमाम शहर, पिछली बार भी कई शहर जीरो आवर की स्थिति में रहे, इस बार भी जो है वही कंडीशन दिखाई दे रही है, ठीक है। जीरो आवर में क्या होता है कि एक साल के लिए जो पानी होता है कि 365 दिन के लिए इतना पानी आपको यूज करना है, तो वो जो 365 दिन का पानी है आप उससे पहले ही ख़त्म कर ले रहे हैं, तो बाकी के जो शेष दिन बचते हैं वो जीरो आवर डे कहलाते हैं, कि मतलब उसके लिए आपके पानी नहीं था तो आप अगले साल का पानी यूज कर रहे हैं इस साल, ठीक है ना। तो अब जल संकट पे अगर कोई निबंध आ गया तो इसके लिए कुछ लाइनें आप याद रखिए, ठीक। जैसे एक तो बहुत बड़ा शुरू से चला आ रहा है जल ही जीवन है, स्लोगन चला आ रहा है, ठीक है। तो काव्य पंक्तियाँ हो गई, कुछ आपके स्लोगन हो गए जो अच्छे स्लोगन हैं उनका यूज करके आप शुरू कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत एक लिंक दे दीजिए, ठीक है ना। अब जैसे लिखे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, ये पंक्तियाँ हमने लिखी, अब ये किसकी हैं, रहीमदास की, ठीक। रहीमन पानी राखिए नाम भी आ रहा है उसमें, अब यहीं शुरू करिए कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, उक्त रहीमदास की उक्त पंक्तियाँ जल की महत्ता को रेखांकित करती हुई दिखाई देती हैं, ठीक। इसके बाद अपना हम काम शुरू कर देंगे, इतना एक लाइन लिख के कि जल की महत्ता को रेखांकित कर रही हैं। उसके बाद जो है अब जो भी हमको काम करना रहेगा, कुछ चीज़ें, एक चीज़ हैं कि जो चीज़ पूछी जा रही है उसकी प्राचीन से जोड़ते हुए, उसकी कुछ विशेषताएं, ठीक है ना, प्राचीन से जोड़ते हुए, प्राचीन काल से जोड़ते हुए उसकी कुछ विशेषताओं को हमको क्या करना रहेगा, अपने प्रस्तावना का हिस्सा बना रहेगा दो तीन लाइनें। अब जैसे जल के ही संबंध में ले लीजिए, अब ये लाइन लिख दिया हमने कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, रहीमदास की उपपंक्तियाँ जल की महत्ता को रेखांकित करती हुई दिखाई देती हैं, ठीक। प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ जल के किनारे ही उनका विकास हुआ, ठीक। धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ वो आए दिन हमको ये देखने के मिला कि जल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक। ऋग्वेद में शायद इसी कारण जो है जल की इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए ऋग्वेद में उसको आपसुभेषजम की संज्ञा प्रदान की गई है। आपसुभेषजम मतलब होता है कि उसमें औषधीय गुण पाया जाता है, ठीक। उसको ऋग्वेद में औषधीय गुणों से युक्त बताया गया है। अब यहीं से थोड़ा बहुत करके अब मोल्ड कर लेंगे, किंतु आधुनिक समय का मानव जो है अपने जो है तामसिक वृत्तियों के चलते जल को प्रदूषित करने में लगा हुआ है, जिससे उसका यह औषधीय गुण जो है लगातार नष्ट हो रहा है, और हमको यह जो है जल संकट या जल प्रदूषण के रूप में यह एक भयावह समस्या के रूप में आज दिखाई दे रही। लास्ट मिला के हमने टॉपिक से जोड़ दिया अपने, दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बता रहे ना कि महत्ता को दिखाते हुए लास्ट लाइन तक हमारा दो तीन लाइन जो आ जाए वो हमारे टॉपिक से क्या हो जाए, वो रिलेट हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो जब रिलेट कर लेंगे हम, तो जब उसको टॉपिक को जब वो प्रस्तावना आदमी पढ़ेगा, एग्जामिनर पढ़ेगा, तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि बच्चे को रिलेट करना भी आ रहा है और उसकी महत्ता क्या है, कैसे वो कहाँ से शुरू हुआ, उसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई और कैसे आज वो एक समस्या के रूप में हमारे सामने आ रही है। तब वो आपके निबंध को समझ जाएगा कि इसने क्या काम किया होगा। अब आपने सीधे GS की तरह ही लिख दिया कि आज जल संकट बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, जो है भूमिगत जल निरंतर नीचे जा रहा है तमाम क्षेत्रों में। अगर दक्षिण भारत की बात करें यहाँ पर जो है पेयजल की समस्या बनी हुई है, उत्तर भारत में जल प्रदूषण की समस्या बनी हुई है, तो ये सब फैक्ट डालने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको नंबर तब मिलेगा जब उसमें आपके विचार आएंगे, भाव आएंगे, उसमें लयात्मकता आएगी, प्रवाह बनेगा, तब आपका नंबर अच्छा आएगा। अब आप सीधे फैक्ट लिखना शुरू कर दीजिए, पैराग्राफ बहुत छोटे भी नहीं बनाने हैं, बहुत बड़े भी नहीं बनाने हैं। अब 10 भाग में अगर हम बांट रहे हैं तो एक पैराग्राफ हमारा लगभग कितने शब्दों का हो रहा है, लगभग 70। एक पैराग्राफ हमारा क्या हो रहा है, लगभग 70 शब्द का। तो अब जब 10 पार्ट में हम बांट लिए तो एक टॉपिक पे 70 शब्द आप नहीं लिख पाएंगे क्या। अगर हम कहें एक टॉपिक पे आपको 700 शब्द लिखना है और एक टॉपिक पे 70 शब्द लिखना है, तो कौन सा आप सुटेबल तरीके से लिख पाएंगे, 70 शब्द। तो जब हम अपने निबंध को 10 शीर्षक दे देंगे, ये टॉप फ्रेमिंग क्या है कि प्रत्येक पैराग्राफ को 10 शीर्षक आप दे रहे हैं, अब दो शीर्षक तो आपको निकल ही जाएगा,
एक प्रस्तावना हो गया, एक निष्कर्ष हो गया। ये तो हर निबंध में आपको करना ही करना है, तो दो तो निकल ही गया ऐसे ना। अब काम कितने पे करना, 8 पे, ठीक। और निष्कर्ष जो आपका होगा, ये आपका भविष्यात्मक शैली में ही आप लिखेंगे इसको, ठीक, एक निचोड़ के रूप में, निष्कर्ष के रूप में, कि जैसे निष्कर्ष लिखा जाता है किसी चीज का, उस रूप में आप उसको लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप वहाँ भी फैक्ट डालिए या बात कुछ और करिए, वहाँ आपको बात नहीं करनी, अपने निबंध का निचोड़ प्रस्तुत करना है। जितना चीज़ें आपने लिखी हैं उसका, उसको कंक्लूड करते हुए, उसका एक अच्छा सा भविष्य की ओर आपको इंगित करते हुए, कि अगर जल संकट की जो समस्या बनी हुई है, अगर इसका समाधान वर्तमान समय में नहीं किया गया, तो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो संभवतः हो सके अपने जीवन के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई दे, ठीक। तो उधर हम इंडिकेट कर रहे हैं ना कि अगर आज हम नहीं सुधरे तो हमारा भविष्य क्या है, निरंतर अंधकारमय होता चला जाएगा, वो अंधेरे में जाना तय है, ठीक। अगर महिलाओं से संबंधित सुरक्षा के जो उपागम किए गए हैं उन पर अगर वर्तमान सरकार और स्थानीय सरकारों और स्थानीय निकायों के माध्यम से सही ढंग से कार्य नहीं किया गया, तो क्या है, उनका भविष्य भी अंधकारमय रहेगा। वो आज भी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में बनी रहेंगी, और उनके लिए लाई गई तमाम योजनाएं ऊँट के मुंह में जीरा ही साबित होंगी, ठीक। तो जब हम भविष्य की ओर उन्मुख करेंगे तो उसको भी एग्जामिनर पढ़ेगा कि मतलब हाँ, बच्चा आज की समस्या को दिखाते हुए क्या करना है कि भविष्य हमारा बेहतर हो, क्या करें कि भविष्य हमारा सुधरे, उधर जाना है। बाय द वे, अगर कहीं बीच में आपका पेन रुकता है तो 2-3 चीज़ें हैं, उसको आप थोड़ा सा अगर ध्यान में रखेंगे तो आसानी हो जाएगी आपको निबंध करने में। जैसे अनिवार्य किंतु पर्याप्त, ये 3 शब्द ऐसे हैं कि अगर आपकी कलम कहीं पर रुक जाए तो ये शब्द आपको जो है मदद कर सकते हैं आपको फिर से एक पैराग्राफ लिखने के लिए, ठीक है ना। जल को संरक्षित करने के लिए आज वर्षा जल का संचयन अनिवार्य है, किंतु सरकार की या तमाम कमियों के बावजूद जो है, जो कमियां हमारे सामने दिखाई दे रही हैं या सरकार की उपेक्षा के बावजूद या स्थानीय कमियों के बावजूद, वो पर्याप्त हमारे लिए नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अनिवार्य किंतु पर्याप्त से जोड़ के अगर हम सेंटेंस कोई भी बनाएंगे तो हमारा लेखन फिर से क्या होगा, उसी के आधार पर शुरू हो जाएगा। अगर हमारा पेन रुकता भी है कहीं पर तो इसके माध्यम से हम शुरू कर सकते हैं, ठीक। पर्यावरण प्रदूषण के लिए वृक्षारोपण अनिवार्य है, किंतु वर्तमान समय में जिस प्रकार से वृक्षारोपण किया जा रहा है वह पर्यावरण की दृष्टि से या पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक। तो उसको क्या करेंगे, हम किसी भी सेंटेंस के साथ जोड़ के अपना काम कर सकते हैं। दूसरा है जब तक और तब तक, जब तक तब तक। अगर ये सेंटेंस भी हम कहीं भूल जाते हैं, जब तक जल को संरक्षित नहीं किया जाएगा तब तक जल का संकट बना रहेगा। तो जब तक और तब, अगर कहीं रुक जाते हैं, कहीं नहीं समझ में आ रहा, तो ये सारे वर्ड क्या करते हैं, हम डाल के नवाक्य शुरू कर सकते हैं कि जब तक तब तक, ठीक। एक और है केवल बल्कि, केवल बल्कि, ठीक। अब इसको भी जोड़ सकते हैं आप किसी भी सेंटेंस से, केवल जो है वर्षा जल के संचयन से ही जो है जल संकट का समाधान नहीं हो सकता है, बल्कि जो है वर्षा जल के साथ साथ हमको भूमिगत जल के दोहन पर भी कमी लानी होगी, उसको प्रदूषित करने से रोकना होगा, तब जाके जो है जल को संरक्षित किया जा पाएगा। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं, जब आपकी लेखनी रुक जाती है, आपका पेन रुक जाता है, तब आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको फिर से शुरू कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब हमको ये चीज़ ये देखनी है कि प्रस्तावना हमारा पहला पैराग्राफ हो गया,
प्रस्तावना हमारा क्या हो गया, पहला पैराग्राफ हो गया। जो भी पूछा जाए आपसे, जल संकट पूछा जा रहा है तो जल संकट पहले बताइए है क्या, पहले आप उसको स्पष्ट करेंगे ना। महिला सशक्तिकरण पूछा जा रहा है तो सशक्तिकरण है क्या। साहित्य समाज का दर्पण अगर पूछा जा रहा है तो साहित्य है क्या, पहले ये तो आप बताइए, तब तो आप बताएंगे समाज का दर्पण है। साहित्य और समाज को तो पहले डिफाइन करिए कि साहित्य किसे कहेंगे और समाज किसे कहेंगे। तो जो भी हमसे पूछा जाएगा उसको हमको इसमें क्या करना है, उसको डिफाइन करना है कि वो है क्या। तो इसमें डिफाइन करने के लिए दो तीन चीज़ें आप ध्यान रखिए कि एक उसकी परिभाषा, ठीक, उसका स्वरूप क्या है, ठीक, और उसकी विशेषता को आधार बनाते हुए हम उसको क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे कि जैसे मान लीजिए पूछ लिया भूस्खलन भी टॉपिक में है आपके, है ना, बाढ़ भी है, सूखा भी है, ये सब आपदा प्रबंधन में है। मान लीजिए पूछ लिया कि सूखा, तो पहले ये बताइए ना कि सूखा है क्या। अब सूखे के जो है, जब आप उसमें डिफाइन करेंगे कि सूखा इसे कहते हैं, या भारत सरकार द्वारा तमाम या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा सूखे की जो परिभाषा दी गई है, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे ही, ठीक, पर्यावरण में आप पढ़ेंगे ही, तो वो आपका यूज यहाँ पे हो जाएगा कि सूखा किसे कहते हैं, बाढ़ किसे कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं। कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं मजबूरी नहीं, पड़ेगा का मतलब क्या हो गया, मजबूरी कि लिखना पड़ेगा, लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर याद है किसी का तो आप आसानी से लिख सकते हैं, उनको कोट कर सकते हैं कि जैसा कि फला राइटर ने या फला थिंकर ने इसके बारे में ये कहा है, ठीक है। या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं जो आपदा प्रबंधन का काम देख रही हैं, उनके द्वारा इसकी क्या परिभाषा दी गई है, या भारत सरकार का जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसमें क्या इसकी परिभाषा दी गई है, ये सब हम जीएस में पढ़ेंगे ही, ठीक है ना, उसका हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। अब इसके बाद जो है हमारा जो मुख्य विषय है उसको अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे टॉपिक के अनुसार कि टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, क्योंकि हर निबंध की फ्रेमिंग एक जैसी नहीं हो सकती है। हर निबंध एक जैसा फ्रेम अगर आप करेंगे तो आप गड़बड़ करेंगे। मुख्य विषय के बाद लास्ट में आपको एक कोशिश करके सकारात्मक जो है उसका मूल्यांकन और फिर निष्कर्ष, ठीक। अब ये जो मुख्य विषय है जिसमें मुख्य विषय को हमको व्याख्यायित करना है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, पहली चीज तो किसी चीज का कारण क्या हो सकता है, ठीक, उसके पहले भी आएगा इसका प्रकार, ठीक, किसी चीज का प्रकार क्या होगा, उसका कारण क्या होगा, और उस कारण का प्रभाव क्या होगा, फिर उसका समाधान क्या है, और उसका सुझाव क्या है। ये लगभग लगभग आपको मिलेगा, हो सकता है किसी में कम मिले किसी में ज़्यादा मिले, वो डिपेंड करेगा कि आपका टॉपिक कैसा है। अब जैसे देखिए बाढ़ से संबंधित, अगर मान लीजिए हम बाढ़ पे निबंध लिखना है, ठीक, अब एक निबंध है बाढ़ एक आपदा के रूप में, दूसरा है बाढ़ कारण एवं समाधान, बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन। अब मेन टॉपिक क्या है, बाढ़ है, लेकिन तीनों क्या है, अलग अलग है, तीनों पे आप एक जैसी बात नहीं कर सकते हैं कि बाढ़ एक आपदा के रूप में, उसमें आपको फिर सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी कि उसका कारण क्या है, ठीक, उसका प्रभाव क्या है, कितने प्रकार का है, ठीक, उसका समाधान क्या है, सरकार के स्तर पर स्थानीय स्तर पर सुझाव क्या हो सकते हैं, एक सकारात्मक मूल्यांकन और निष्कर्ष।
अब पूछ लिया कारण एवं समाधान, तो आपको फोकस किस पे करना है? मेनली फोकस आपको उसके कारण और समाधान पे करना है, मतलब ये वाला जो टॉपिक है और ये वाला, इसको ज़्यादा आपको दिखाना है, बाकी सब कम दिखाना सब है, लेकिन अनुपात को आपको क्या करना है, जो अनुपात आपका रहेगा वो टॉपिक के अनुसार रहेगा। आपको अनुपात क्या करना है, टॉपिक के अनुसार कम ज़्यादा करना है। ऑर्डर यही रहेगा, प्रकार आप दिखा दीजिए, कारण को दो पैराग्राफ करिए, ठीक, प्रभाव को एक ही पैराग्राफ में निपटाइए, समाधान को दो से तीन पैराग्राफ में दिखाइए। तो जिस पे आपका केंद्रित रहेगा विषय, उसको क्या करना है, आपको ज़्यादा फोकस देना है, ठीक। अब यहाँ क्या पूछ लिया, बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन, तो आपका टॉपिक किस पे पूरा डिपेंड रहेगा, उसकी आपदा प्रबंधन पर। बाढ़ बता देंगे एक पैराग्राफ में, कारण प्रभाव थोड़ा थोड़ा करके दो तीन पैराग्राफ में सारी चीज़ें निपटा लेंगे। फिर प्रबंधन में जब हम आएंगे, तो प्रबंधन में आपको क्या करना रहेगा कि आपदा के पूर्व क्या होगा, आपदा के समय क्या होगा और आपदा के पश्चात क्या होगा, ठीक। प्रबंधन के संबंध में जब आएगा तब उसको अलग दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे। तो हर निबंध को ये मत सोचिएगा कि एक ही तरीके से हम निपटा दें, टॉपिक की जो मांग रहेगी, जो टॉपिक एग्जामिनर जानना चाह रहा है आपसे, जब तक वो आप फुलफिल नहीं करेंगे तब तक क्या है, आपका निबंध अच्छा निबंध नहीं रहेगा और नंबर नहीं मिलेगा, समझ रहे ना। ज़रूरी सबसे ज़्यादा जो काम करना है आपको, वो इधर नहीं काम करना, आपको इस पर काम करना है और इस पर काम करना है। जितने निबंध पूछे गए हैं, 10-10 साल का निबंध उठाइए, अच्छी सी प्रस्तावना सबकी लिख डालिए, अच्छी अच्छी प्रस्तावना बना के लिखिए, कलात्मक तरीके से शब्दों का प्रयोग करिए, अच्छे शब्द लेके आइए, अलंकारिक शब्द लेके आइए, ठीक है, जिससे क्या है वो प्रभावी बने। जब तक प्रभावी लेखन नहीं करेंगे तब तक क्या है, प्रस्तावना आपकी काम नहीं आएगी। तो प्रस्तावना के संबंध में हमने दो चीज़ें हम लोगों ने देखी थी कि पहला तो क्या है, काव्य पंक्तियाँ, ठीक, कुछ स्लोगन हो गए। इसके अतिरिक्त आप जो है, अगर सक्षम है कि एक अच्छी शब्दावली के साथ, अच्छे वाक्यों के समायोजन के साथ आप उसके भाव और विचारों को समेट सकते हैं, तब उस तरह से लिख लीजिए, उसमें किसी भी फिर कविता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी स्लोगन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर किसी घटना से आप इसको जोड़कर, ठीक है, कोई घटना उसके संबंध में बहुत चर्चित घटित हुई है, उससे जोड़ के अपने टॉपिक को क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। काल्पनिक बनाइएगा, लेकिन जीवंत, जीवंत मतलब कि उस तरह का होता हो, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि जो हुआ हो वही बनाएं, लेकिन इसी तरीके का होता है, ऐसा लगना चाहिए कि ये कहीं आंखों देखी घटना है, ठीक है ना। जो भी अगर घटना आप अपने मन से गढ़ रहे हैं, तो उसमें ये लगना चाहिए कि हाँ, जब कोई आपदा आती है या कोई घटना घटित होती है, तो इस तरह का दृश्य हमारे सामने क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक, कि अब सिर पर जो है गठरी लिए बदहवास जीवन जो है बाढ़ के संबंध में, ठीक, इधर उधर भटकते जो है ऊंचे स्थानों की तलाश में, जब इस तरह का दृश्य हमारे सामने दिखाई देता है, तो मन अंदर से क्या हो जाता है, चित्कार उठता है, ठीक है, द्रवित हो उठता है। इस तरह की शब्दावली का जब हम प्रयोग करेंगे, तो एग्जामिनर जब उसको पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि नहीं, बच्चा जो है काम किया है, बच्चा अच्छे से लिखा है। अब वही GS का उठा के वहाँ ढर्रप चल रहे हैं, तो 6 पेपर आपसे लिखवा रहा है, निबंध क्यों लिखवाए फिर वो, अगर वही काम करना हो तो अलग से ये क्यों लिखवा रहा है। ऐसे के लिए देखो, कुछ नहीं किया था वो भले बोलते हैं, ठीक है ना। जो टॉपर हैं वो कहेंगे ऐसे के लिए हमने कुछ नहीं किया था, हमने कोचिंग नहीं की थी, ठीक, हम अपने से सेल्फ स्टडी किए, ऐसा कुछ नहीं होता, सब कोचिंग करते हैं, ठीक। कई टॉपरों तो ऐसे मैंने सुना ऑफलाइन, ऑनलाइन कैमरे पे नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑफलाइन बताएंगे
कि जितने जो भी कुछ टॉपिक थे जो पिछले टॉपर के जो कोचिंग के नोट्स थे उनके निबंध जो टेस्ट हुए थे उसका निबंध लेके मैंने उनकी प्रस्तावना एकदम रट डाली थी, वही जाके लिख दिए थे। तो ये क्या आप कर रहे हैं? या तो अपने मन से करिए, या तो किसी का रट के जा रहे हैं ना, अपने मन से तो नहीं लिख रहे हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो है निबंध हमारा ऐसे ही हो गया था। निबंध उसका ऐसे ही तभी हो पाएगा जब निरंतर निशांत जैन की तरह उसकी हिंदी इतनी अच्छी हो या फिर उस पर इतनी ज़्यादा पकड़ हो कि कभी भी कोई भी टॉपिक दे दिया जाए आपको तो आसानी से जो है उस पर आप हैंडल कर सकें उसको। पहले से काम किया रहता है ठीक, तो बिना पहले से काम किए कोई नहीं। अब कहिए कि आप काम नहीं किए हैं तो जो काम किया रहेगा उसको काम करने, ये थोड़ी कहेगा कि हमने उसको फिर काम नहीं लगेगा ना, वो उसके अभ्यास में वो आ जाएगा। काम तब लगेगा ना जब दो चार दिन आप बैठ के लिखेंगे, तब लगेगा कि यार निबंध लिख रहे हैं। लेकिन जब उसको डेली आप करेंगे, डेली किसी टॉपिक को सोचिए उसके बारे में एक लेख लिख डालिए। अब जैसे इसमें भीषण गर्मी पड़ रही है उस पर लेख लिख डालिए, जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से गर्मी पड़ रही है उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या कारण है इस गर्मी का, उस पर अच्छा सा लेख लिख डालिए एक बैठ के। तो जब थोड़ा थोड़ा आप खुद एनालाइज करके लिखना शुरू करेंगे तब जाके जो है निबंध बनेगा। हम क्या करेंगे, हम केवल सिखाएंगे, सीखना आपको है, ठीक, हम बता देंगे कैसे लिखना है, लिखना आपको है। तो जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक हम 50 निबंध लिखवा दें, नोट्स बनवा दें, प्रिंटेड नोट्स दे दें, किताब बता दें कि ये किताब ले लीजिएगा, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तो कोशिश करिएगा अब कि हफ्ते में, हम रोज़ नहीं कर रहे हैं, हफ्ते में एक निबंध, नहीं पूरा लिखना है तो प्रस्तावना और निष्कर्ष, निष्कर्ष नहीं लिखना है तो केवल प्रस्तावना। 70 से 80 शब्दों में 100 भी चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पहले कोई ज़रूरी नहीं कि पहले लिखिए तो शब्द सीमा का ध्यान रखिए। अभी शब्द सीमा का ध्यान मत रखिए, बस ध्यान इतना रखिए कि आप जो लिख रहे हैं आपके भाव विचार आपसे टॉपिक से रिलेट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। हेडिंग नहीं देना है, ठीक, बीच में आपको हेडिंग नहीं देना है। बीच में आप कर क्या सकते हैं, जैसे कुछ कविता एकाद अगर याद आ रही है तो बीच में लिख सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, अगर मैप से संबंधित कोई टॉपिक आ रहा है तो आप मैपिंग भी कर सकते हैं। भूस्खलन आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, ठीक, या पर्यावरण से रिलेटेड कोई इस तरह का टॉपिक है, नहीं हेडिंग नहीं डालना है, नहीं हेडिंग जितने भी लोग डाले सब कम नंबर मिला है, ठीक है, तो हेडिंग नहीं डालना है आपको, ठीक। दूसरा चीज़ फ्रेमिंग, फ्रेमिंग का मतलब यहाँ पर निबंध की फ्रेमिंग से नहीं है। जैसे कोई चीज़ आपको दिखानी है, आपदा का या बाढ़ का प्रभाव, ठीक, लिख दिए हम क्या, बाढ़ का प्रभाव, सर्किल बनाए, अब क्या क्या प्रभाव है वो हम मेंशन कर दिए, हाँ। लेकिन ज़्यादा नहीं करना है कि पूरे निबंध में आप फ्रेमिंग बना के आए, एक निबंध में आपको क्या करना है, एक ही फ्रेमिंग करनी है, एक कविता डाल दीजिए, एक फ्रेमिंग कर लीजिए, ये नहीं कि 3-4 फ्रेमिंग कर डालिए, ठीक, एक मैप बन, किसी में मैप बना दीजिए, किसी में फ्रेमिंग कर लीजिए, ठीक है, किसी में कविता लिख लीजिए। तो इस तरह से बदल बदल के हमको क्या करना है, अपना काम करना है कि कविता मैपिंग और फ्रेमिंग को आधार बना के हमको अलग अलग चलना है। अब तीन चीज़ें हमको किसी विषय के संबंध में दिखानी है, डायग्राम ट्रायंगल बनाए, इसमें लिख दिए कि क्या है, और यहाँ पर मेंशन कर दिए, यहाँ मेंशन कर दिए, यहाँ मेंशन कर दिए, ठीक, या फिर जो है कुछ इस तरह से फ्रेमिंग बना लिए, यहाँ पर लिख दिए सबके विषय में कि क्या क्या है। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो कॉपी हमारी पढ़ नहीं रहा है डायग्राम देख के वहाँ रुकेगा, और डायग्राम देख के उसको समझ में आ जाएगा कि आपने काम क्या किया है, क्या क्या पॉइंट आपने यहाँ दिखाए हैं। तो डायग्राम का हमारा मेनली उद्देश्य यही है। बहुत से लोग कहते हैं कि निबंध में आपको डायग्राम नहीं बनाना चाहिए, फ्रेमिंग नहीं करनी चाहिए, मैपिंग नहीं करनी चाहिए। वो तब नहीं करनी चाहिए जब आपका कहीं प्रिंट हो रहा हो, आपका पूरा निबंध पढ़ा जा रहा हो कि आपके क्या भाव विचार आए हैं, वो पूरे आपके क्या क्या आए हैं, वो लाइन टू लाइन अक्षरशः पढ़ी जाए। यहाँ एग्जामिनर जल्दबाजी में रहता है, ठीक, वो जब आप फ्रेमिंग किए रहेंगे, मैपिंग बनाए रहेंगे, तो क्या होगा, एग्जामिनर वहाँ पन्ना पलटते समय रुक जाएगा, एक बार देखेगा बढ़ जाएगा, तो उसको लगेगा कि नहीं बच्चे ने काम किया है। अब भारत में बाढ़ के क्षेत्र कौन कौन से हैं, अब आप 2 पैराग्राफ लिखेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा कि ये मैप बना के आप दिखा दिए कहाँ कहाँ पर किस तरह की बाढ़ आती है, वो इफेक्टिव रहेगा।
जाहिर सी बात है मैपिंग ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। एग्जामिनर पेज पलटा, देखा भारत का मैप बना है, दिखा दिए कहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से बाढ़ आ रही, कहाँ से मानसून से बाढ़ आ रही, कहाँ चक्रवात के थ्रू बाढ़ आ रही, कहाँ लौटते मानसून से बाढ़ आ रही है, सारी चीज़ें हमने दिखा दी। ठीक, कि अरब सागर के चक्रवात से कहाँ कहाँ बाढ़ आएगी और पश्चिम बंगाल के चक्रवात से कहाँ कहाँ बाढ़ आएगी, सारी चीज़ें हमने दिखा दी, मेंशन कर दिया। अब उसको देख के वो समझ जाएगा कि आपका काम किस तरह का, आपके टॉपिक पे कितनी पकड़ है, आपको नंबर उसी हिसाब से वो आगे दे जाएगा। आधा अधूरा काम करेंगे, केवल लिखने पे ही जोर देंगे क्योंकि पढ़ेगा नहीं वो, तो नंबर हो सकता है कट जाए, लाख अच्छा लिख के आइए नंबर कट जाएगा। तो कुछ जो है अब धीरे धीरे यहाँ से जो कविताएँ लिखाएंगे वो तो आपको याद भी करनी है, उसके अतिरिक्त आपको जो अच्छे हिंदी के राइटर हैं जैसे सुमित्रा नंदन पत, पर्यावरण से जुड़े हुए काफ़ी अच्छे उनके काम हैं, पर्यावरण के जो है कवि माने जाते हैं, वो प्रकृति के कवि माने जाते हैं, नेट पे डालेंगे उनसे रिलेटेड तमाम लाइनें आ जाएंगी। इंग्लिश में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में आप इंग्लिश की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट होइए, जो इंग्लिश लिटरेचर है उधर की तरफ, भाई आप ग्रेजुएशन इंग्लिश से रहा होगा, लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर रहा कि नहीं उसमें, लिटरेचर कहाँ तक था, इंटर तक तो रहा ही होगा, तो इंटर तक के दौरान आपको तमाम ऐसे राइटरों को पढ़ने का मौका मिला होगा कि जो इन्वायरमेंट पे, वोमेन एम्पावरमेंट पे, ठीक है, इस तरह से जो है बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप या योजनाएं जो आ रही हैं उनके संबंध में कुछ जोड़ के, तो तमाम तरीके की लाइनें आपको मिल जाएंगी। महात्मा गांधी से संबंधित कोई लाइन है, विवेकानंद ने कुछ इसके बारे में कहा है, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, किसी का कथन है, किसी की उक्ति है, वहाँ से आप शुरू कर लीजिए, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि कविता से ही आप शुरू करिए। ठीक, यहाँ पे आप किसी का कथन अगर है, ठीक, कोई लेखक है उसका वक्तव्य है, तो वहाँ से भी आप उसको शुरू कर सकते हैं कि महात्मा गांधी ने गांव के विषय में क्या कहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में अगर आ जाता है तो गांव के विषय में उन्होंने बहुत कुछ कहा है, उसको हम कोट कर लेंगे। महिलाओं के संबंध में जो जवाहरलाल नेहरू का कथन है या विवेकानंद का कथन है उसको हम कोट कर लेंगे। इस तरह से जब हम कोई काम करेंगे तब जाके हमको निबंध में अच्छा नंबर मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी है फ्रेमिंग, फ्रेमिंग कर लेंगे आएंगे तो निबंध लिखते समय आपकी पेन नहीं रुकेगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, 10-15 मिनट जितना भी सोचना है टॉपिक के संबंध में आप सोच लेंगे कि हमारे पास किस टॉपिक के संबंध में रॉ मटेरियल है, कि अगर ये टॉपिक हम उठा रहे हैं, अगर आरक्षण हम उठा रहे हैं या एक राष्ट्र एक चुनाव हम उठा रहे हैं तो क्या इस पे हमारे पास पर्याप्त मटेरियल है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, जब तक आप फ्रेमिंग नहीं करेंगे। फ्रेमिंग कर ली, आपको पता चल गया कि हर पॉइंट पे हमारे पास मैटर है तो यही निबंध हम लिखेंगे, निबंध लिखना शुरू किए, फिर आप फ्रेमिंग के अनुसार निबंध लिखना जब शुरू करेंगे तो आपकी पेन भी नहीं रुकेगी और आपका सिक्वेंस भी गड़बड़ नहीं होगा और सारी बातें आपकी निबंध में टाइम से आ भी जाएंगी एक निश्चित शब्द सीमा के भीतर। पॉइंट फॉर्म में नहीं, पैराग्राफ में ही लिखिए, ठीक है, हाँ एकाध पैराग्राफ अगर डालना है पॉइंट फॉर्म में तो डाल सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको नहीं डालना है, लेकिन ज़्यादा नहीं कि जीएस की तरह पूरा प्रश्न जैसे हम पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं तो पूरा निबंध हमको पॉइंट फॉर्म में नहीं, क्योंकि भाव और विचार जब तक नहीं आएंगे पॉइंट हम कब डालते हैं, जब हमको तथ्यों को डालना होता है, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ साथ हमारे भाव और विचार भी जुड़ने चाहिए। थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं डालना है, चीज़ों को कोशिश करना है कि हमको एक लैंग्वेज देनी है, समझ रहे हैं ना। अगर पूरा निबंध आप खुद सोचिए, पूरा निगर अगर हम पॉइंट फॉर्म में लिख दिए तो जीएस के प्रश्न उत्तर लेखन में और निबंध के लेखन में अंतर कहाँ रह जाएगा। अंतर हमको कहाँ करना है, भाव और विचारों के स्तर पर करना है, ठीक है ना, और उन भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए हमको फैक्ट डालना होता है। फैक्ट बेस पे निबंध नहीं लिखना है हमको कि हम मार फैक्ट ही फैक्ट भर दें, फैक्ट नहीं भरना है। इकोनॉमिक्स बेस का जो भी निबंध आएगा उसमें भी आपको क्या करना है, भाव और विचारों का समावेश करना ही करना रहेगा, जिस प्रकार के विचार आएंगे उसी को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ फैक्ट डाल देंगे, ठीक है ना। तो उस तरह से जब धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे तब इस पर और चीज़ें हमारी क्या होंगी, अस्पष्ट होती रहेंगी। ठीक, तो कल से हम लोग क्या करेंगे, साहित्य से लिटरेचर से शुरू करेंगे, ठीक है ना।